नीलम जी, बस मैं मुझे भी खुद स्वयं नहीं मालूम होता है कि मैं कैसे कह पाता हूँ। मुझे आप सच बता रहा हूँ, पर यह है कि धर्म का जो अनुभव है मेरा, ध्यान का अनुभव, योग का भी अनुभव, साधना का अनुभव, तो वो अनुभव आ जाता होगा संभवतः, क्योंकि मैं ध्यान भी करता हूँ, योग भी करता हूँ और स्वयं में स्थित भी हूँ, तभी मुझे बाहर की चीजें नहीं प्रभावित कर पाती। करती है ऐसी नहीं, बहुत कड़ा किया ही है, पर जब करती है तो फिर उसके चीड़ फाड़ का भी व्यवस्था मेरे अंदर से हो जाता है। तो इसलिए जितना हम स्व के करीब जाते जाएंगे, उतना ही हम उस परम तत्व के करीब जाएंगे, क्योंकि वो बीज में वो छुपा हुआ है, वो वृक्ष रूपी जो परमात्मा है छुपा हुआ है। हमें ही बस उसको ध्यान के जरिए उस बीज का, उस आत्म का ज्ञान करना है जो हमारे अंदर है, लेकिन जिसे हम विस्मृत कर चुके हैं। तो संभवतः यही कारण। साक्षी भाव से सौरभ जी, मैं तो कई बार, काफी बार कहा हूँ साक्षी भाव से, मैंने अभी बताया आपको, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ तो मुझे, मैं देख रहा हूँ कि मैं पानी नहीं पी रहा हूँ, पानी ये शरीर पी रहा है। थोड़ा सा इसको अभ्यास कर लेना, मैं चल रहा हूं लेकिन मैं नहीं चल रहा, मैं खा रहा हूं लेकिन मैं नहीं खा रहा हूं, ये शरीर खा रहा है, मैं यानी आत्मा। ये भोजन शरीर की जरूरत है, आत्मा की जरूरत नहीं है। ये पानी शरीर की जरूरत है, इस आत्मा की नहीं है। ये आपको बोध हो जाएगा कि आप दो हैं उसी समय से, और ये साक्षी भाव से होता है। और साक्षी भाव के लिए अपनी आती जाती सांसों पे को देखना होता है, इतना ही करना है। और कहा उन्होंने, आसनस्थ सुखम हृदय निमज्जति, उस आसन में, उस सुख के आसन में, ये सुख के आसन में ऐसे बैठना है, बैठना है। शरीर में खुजली लिया तो मन को वहां ले गए, वो अपने आप खुजली खत्म हो गई। अभी मेरे गर्दन पे खुजली आ रही है, मैं हाथ उठा के खुजली नहीं करूंगा और मैं अपने मन को वहां ले जा रहा हूं, खुजली समाप्त। तो मन को भी एक गति मिल गई, तो मन भी आपका प्राण से जाना बंद कर दे, और धीरे 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 मन, जैसे पानी का पाइप लो, बड़ा पानी का पाइप, तो उससे जो धार निकलेगा वो फैलता है। कभी भी हम जल का अगर सदुपयोग करना चाहे तो नहीं, वो तो दुरुपयोग होगा, लेकिन जितने जितने पानी के पाइपलाइन को हम सिकोड़ते हैं, धार उतनी तेज और एक मार्के पे जाता है। उसी तरह ध्यान है कि उसको केंद्रित करना है मन पर, देखते हुए, दर्शन करते हुए, दमन करते हुए नहीं। गौरांग जी धन्यवाद, संदीप जी नमस्कार, आपसे अनुरोध है कि हम लोगों के लिए आप खुद प्रैक्टिकल दिखाकर ध्यान पर छोटा सा वीडियो बना दें, जिससे सिर्फ ध्यान का ही चर्चा हो। वो चर्चा क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अभी अभी बताए, यही मैं बता रहा हूँ। सुखासन में बैठना है, कोई उसमें क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है, ऐसे बैठना है। आपके पद्मासन में बैठ सकते हो, पद्मासन मतलब एक पैर ऊपर, और नहीं बैठ सकते तो सीधे जो हम क्रॉस लेग करके बैठते हैं, और हमारे जो घुटने हैं उस पे ये इस भाव में बैठते हैं, और अपनी आती जाती सांसों को देख, आती जाती सांसों को देखते हैं तो मन केंद्रित होने लगता है, वहां सांसों पे केंद्रित होता है, तो बाहर का भटकाव बंद होने लगता है। मैं जो इतनी पुस्तक पढ़ पाता हूँ क्यों, क्योंकि ध्यान केंद्रित रहा। और ऐसे आप सोचते हो एक एक पढ़ना पड़ता है बैठा है, तब तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, मुझे क्या पढ़ना है, मेरे फोटो जो होता है की तरह वो मेरे दिमाग में आ जाता है, कहाँ है वो, पूरी पुस्तक में ऐसे देखो तो पकड़ में आ जाता है। पुस्तक पढ़ने की भी वो आर्ट ध्यान से विकसित हुई, वो आर्ट भी, नहीं तो मैं एक एक पन्ना पढ़ के नोट्स बनाने लगूंगा तो पूरी जिंदगी नष्ट हो जाएगी। तो वो जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कहाँ है क्या है, वो पकड़ में आ जाता है। वो पकड़ में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि मन नियंत्रण में आ गया है, मन अब मेरा मालिक नहीं, मैं मन का मालिक हूं, इसलिए मैं किसी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि किसी के पीछे भागने का मतलब है दासत्व, गुलामी, यानी मेरा मन मुझे किसी का गुलाम बनाना चाहता है। स्वामी तो वो है जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है। देव दीक्षित जी, अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है, देव भी और दीक्षित भी, बड़ा सुंदर नाम है।
आपको भी आपके मुख से शिव सूत्र सुनकर मन को बहुत सुख मिलता है। जब पिताजी हमें श्री राम कथा सुनाते हैं तो जैसा आनंद आता है ठीक वैसे ही अनुभूति मिलती है। अपने पिताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा, उनके पास ज्यादा अनुभव है, जो बुजुर्ग है उनके पास सचमुच देने को बहुत था, पर हमारी पिछली पीढ़ी वाले बुजुर्ग ने उन सब ने इस ऐसा सेकुलरिज्म का धतूरा सबने चाटा जिसके कारण हमारे घर से धर्म विरोध। नीलेश रंजन जी धन्यवाद, शिव जी की परम कृपा है जो हम सब आपके माध्यम से उनके सूत्र को सुन पा रहे हैं। चरण पर थैंक यू सो मच निखिलेश जी, शिव जी की कृपा है, ये एकदम परम सत्य है, वही सत्य कि मेरे अंदर एकदम छिहरन सी हो रही है, परम सत्य शिव शिव की ही कृपा है और कुछ नहीं हो सकता। इतने छोटे सूत्र उन्होंने कलयुग के लिए दिए और कहा कि जाओ ढूंढ के लो वसुगुप्त को, जाओ पत्थर पे उकेर दिया मैंने जाओ। आप लोग को जैसे खांसी होने लगे मैं बता रहा हूं, जैसे मुझे कई बार होती है, फिर ध्यान वहां ले जाओ, धीरे धीरे देखना गले में भी खराश कम होने लगता है, धीरे 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 होने लगता है। मेरे तो बहुत होता है, अचानक बंद हो गया होता है, तो मैं अपना वहां के रात में उठ के भी मैं, और सुषुप्ति अवस्था में जैसे हम मंत्र जो है इसमें बड़ा कारक है मंत्र, जैसे मैं पाठ करता हूँ सुबह भी पाठ करता हूँ शाम को भी, दोनों वक्त नहा के पाठ करता हूँ, उससे जो मंत्र का जाप है वो मंत्र मन से मुक्त करता है, इसलिए मंत्र है वो। अब वो मंत्र जब हम पढ़ते हैं तो मन जो है मन का साइकिल घूमना बंद होता है, तो धीरे धीरे मंत्र मंत्र का मतलब ही मन को केंद्रित करना शुरू करता है। पढ़ो विष्णु सहस्त्र नाम में सुबह सुबह पढ़ता हूँ और शाम को माँ काली की आराधना करता हूँ, मंत्र को पढ़ो और देखो तो मन केंद्रित होने लगता, भटके गए तो इसीलिए हमारे यहाँ पाठ कहा गया, दोहराओ पाठ। हम कभी भी रामायण का पाठ करते हैं, रामायण का अध्ययन नहीं करते, गीता पाठ करते हैं, गीता अध्ययन नहीं करते, यानी दोहराओ पुनरावृत्ति, उस पुनरावृत्ति से मन के चक्र को हम तोड़ देते हैं। सहज है आपके लिए, गीता मैंने पॉकेट वाली गीता मंगवाई है ये रहा, और इसीलिए जब ट्रेन व्रेन में जाओ कभी भी तो इसको पढ़ते रहो, अपने आप मन से मुक्त होना शुरू करोगे। दिशो न जाने न लाभे न शर्मा प्रसिद्ध देवेश जगन निवासा, आप धीरे 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 मन, क्योंकि मन जब तक है आप मुक्त नहीं होगे, वो आपको गुलाम बना के रखेगा, वो कभी इस नेता के पीछे ले जाएगा, उस नेता के अभिनेता के पीछे, कभी इधर कभी उधर। अगर आप अपने मन के स्वामी हो तब किसी के पीछे जाते हो ठीक है वो अलग चीज है, लेकिन मन आपको ले जा रहा है तो बिल्कुल डिफरेंट चीज। चेतन राव जी धन्यवाद करें, संदीप जी श्रीमद् भागवत के राजा खटवांग महाराज के एक क्षण मात्र से मोक्ष प्राप्ति की कथा से सभी श्रोतागण को लाभान्वित करे, घोड़े पर आरूढ़ होने के समय मृत्यु निकट है जानकर मोक्ष प्राप्त किया, जब भागवत कथा करूंगा तब। अभी तो शिव सूत्र को समाप्त करता हूँ, फिर उसके बाद अभी तो लंबे शास्त्र समाप्त नहीं होने वाले हैं अपने हिंदू धर्म के, हमारे जीवन 10 बार समाप्त होते हैं। नीला पानी अच्छा नाम है, पहले बेटी का नाम समय रखा समायरा रखा था, बट अब सनातन जानने के बाद चेंज कर आदि शक्ति, बहुत सुंदर। इससे मैं कई माता पिता को समझाया, कई माता पिता को, लेकिन आधुनिक माता पिता वो आधुनिक नहीं, हमारे शास्त्र बहुत आधुनिक थे, वो सिर्फ अनुकरण है, अनुकरण कर रहे हैं। बच्चों के ऐसे नाम रखे जा रहे हैं आज के समय कि बच्चा अपने व्यक्तित्व को लेकर ही कंफ्यूज हो जाएगा, वो क्या है, वो हिंदू है क्या है। अच्छा ये माँ बाप सोचते हम हिंदू मुस्लिम नहीं बना रहे, समाज तो वही है, और बच्चा तुम्हारा कैसे उसमें सरवाइव करे। अब समायरा नाम से बच्चा हमेशा कंफ्यूज होगा, पर आदिशक्ति नाम से बच्ची कभी कंफ्यूज नहीं होगी। जैसे मेरे बेटे का क्या नाम है जिज्ञासु, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। मेरे भतीजे का नाम है मिथुल, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रखा संदीप, कभी कंफ्यूजन नहीं है मेरे नाम। मेरे भाई का नाम है अमरदीप, कोई कंफ्यूजन नहीं। मेरी धर्म पत्नी का नाम है श्वेता, कोई कंफ्यूजन नहीं। पर आज की पीढ़ी ये अजीब सी जिंगा लाला टाइप के जो नाम हो रहे हैं, पूरी कंफ्यूजन, कुछ आधा ईसाई आधा अरबिक आधा संस्कृत आधा हिंदी, कुछ भी
वो बच्चा कभी यात्रा कर ही नहीं पाएगा, उसके चार टांग कर दिए माँ बाप। अब वो इधर चले इधर चले इधर चले इधर चले, नाम की बड़ी महत्ता है। राम का नाम लेते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, नाम की बड़ी महत्ता। नवीन जी कह संदीप जी, संदीप जी, सात्विक भोजन में लहसुन प्याज क्यों छोड़ने को कहा जाता है, उससे क्या लाभ और हानि है? मत छोड़ो, मैं कह रहा हूं मत छोड़ो। उस अवस्था को अभी आपने नहीं छुआ है तो उसको मत छुइए। उसमें क्या है, प्याज और लहसुन काम वासना बढ़ाती है दोनों ही। सीधी बात बताता हूं, उसको घुमा फिरा के आते हैं से आपको नहीं बताऊंगा। इसलिए जो भी साधु है सन्यासी है उसको इससे वर्जित रहने को कहा, क्योंकि वो सन्यास की यात्रा में है, इससे वो बचा रहे। तो प्याज लहसुन आपकी काम वासना जागृत कर देती है, उसमें थोड़े प्रमाद है, ये बात सच है, और उसमें वो स्वाद भी है, स्वाद भी वासना है। तो सन्यासी को अपने जिह्वा का और अपनी जननेन्द्रिय का दोनों का नियंत्रण आवश्यक, दोनों का, नहीं तो दोनों उसको पतन के राह पर ले जाए। इसीलिए व्यवस्था ऐसी की गई कि अर्थ ना भी समझे तो आपके मार्ग सुगम, तो आप गृहस्थ, आपको कोई आवश्यक नहीं प्याज लहसुन। लक्ष्मी शर्मा जी धन्यवाद करें, आपके संगत विचार शुद्ध होने लगे हैं, आप कोई साधारण इंसान तो नहीं है। अरे मैं बहुत ही साधारण हूँ, मेरी मम्मी अभी भी मुझे डांटती है। आपकी प्रेरणा से अब धार्मिक पुस्तक का पाठ भी कर रहा हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी। तो पाठ आप कर रहे हैं ये बहुत सुंदर बात है। सरोज जी कह रहे हैं, संदीप जी आपके श्रीमुख से सनातन पर चर्चा से मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, मुझे भी बहुत आनंद मिलता है। आप तो सोचते हो कि मैं आपको जब कहता हूँ तो कई अर्थ मुझे स्पष्ट होते हैं, मुझे बहुत आनंद आता है आप सबके साथ। मैं तो आप सब सारे पाठकों से कहता हूँ कि मुझे एक बार आप लोग स्वतंत्र कर दो, कि मैं न्यूज से स्वतंत्र हो जाऊं, उसमें टीम लगा दूं, जैसे एक मिंटू को लगाया तो चार और जर्नलिस्ट, सब्सक्रिप्शन आदि बढ़ जाए तो दो चार और जर्नलिस्ट लगा दूं, न्यूज करता रहे वो। और मैं, क्योंकि मुझे अभी KGF में बहुत कोर्स पढ़ाने हैं सनातन के, मुझे सनातन की, और उम्र ऑलरेडी 45 हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं कि सनातन को, ताकि घर घर सनातन पहुंचा पाऊं, तो हम जीत पाएंगे। लेकिन आप सब नहीं छोड़ते हो न्यूज से, तो वो मुझे, क्योंकि स्वाभाविक है समय तो देना पड़ता है, मैं आपके साथ फकैती तो नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं समय जो है मेरे बट जाते हैं, तो मुझे तो बहुत स्वयं ही बहुत आनंद आता है। मैं तो कहता हूँ सामूहिक रूप से आप सब एक बार कह दो, छोड़ो जी आप टीम बनाओ और टीम को दो न्यूज, और आप हमें करो सनातन की यात्रा। और मैं आपको सिर्फ कथा नहीं कह रहा, मैं जीवन जो मैं जीता हूँ वो, और यात्रा सरल हो जाएगी उससे, हमारा मित्र बोध, शत्रु बोध, परिवार बचाना। सनातन में मैं सनातन से के समाज शास्त्र को सिखा रहा हूँ, आपको सन्यास के मार्ग पर नहीं ले जा रहा। अभी मैंने कहा कि आपको लहसुन प्याज छोड़ने की आवश्यकता नहीं, सुंदर गृहस्थ जो सनातन को बचा सकता है, आज गृहस्थी टूट रही, और वो उसमें फिर, अभी आपने आज देखा, आज आपको एक मिनट ने खबर दिया होगा, एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, करने का प्रयास किया, क्यों? क्योंकि उसकी बेटी एक हरे टिड्डे से लव करती थी। अब ये लव अभी है, प्रेम तो नहीं कहूंगा, और उसको जब मना किया तो कहा मौसी से विवाह करेंगे, तो वो तो छोड़िए, बेटी, बेटी की माँ और उसका भाई, तीनों मिलके जाके नमाज पढ़ाए, कलमा पढ़ाए, इस्लाम अपना लिया, तो पिता आत्महत्या किए, जहर खाए। अब परिवार की वो टारगेट किए हुए, और आप देखो जैसे वृक्ष है, वृक्ष की छाया है तो बैठोगे ना उसमें, आपके सर से सनातन की छाया हटा दी गई है, तो आप हो तो कोई आपको अपना छाता थमा दे तो वही आपके लिए हितकारी दिखेगा उस धूप में, और वो फिर छाता थमा के आपको ले जाके, और आपने एहसान, आपको बड़ा अच्छा लगा, आप पर उसका एहसान हो गया, और आपको फिर वो अफीम चटा देगा अपना मजहब आदि कभी। तो ये जो सनातन का अम्ब्रेला छाया, हमसे बरगद की छाया छीन ली गई है, वो घर घर अगर पहुंचा दिया तो आप तय मानिए वो लोग भी सनातनी हो जाएंगे, क्योंकि सनातन से सुंदर कुछ नहीं। संदीप सर जो जी, विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण में जो शब्द नहीं बोल पाते, हम तो यूट्यूब से सुनकर लिख करके उच्चारण करने में कोई गलती तो नहीं, बिल्कुल नहीं,
जैसे भी करें। संस्कृत में मैं आजकल तमिल भी सीखता हूँ और संस्कृत भी सीखता हूँ, और संस्कृत में वो सहज है, बहुत सहज है, बोल के पढ़िएगा, बोल के पढ़ने से उच्चारण दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन जो नहीं आ रहा उसको यूट्यूब से सीखिए, कोई दोष नहीं है, कुछ भी दोष नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।